अस्सलामुअलैकुम विवर, क्या हाल चाल है विवर। मैं हूँ आपका होस्ट न्यू रॉकस्टार। तो विवर, जानू की तलाश खत्म, जानवर की तलाश शुरू। तो विवर, आज का मेरा व्लॉग बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो विवर, आप देख सकते हैं मैं मुल्तान से इस टाइम बाहर जा रहा हूँ। मुल्तान का गेट आ गया, खुदा हाफिज। ये खुरम भाई पूछ रहे हैं एक बात, जो अभी सरप्राइज रखनी है, अभी आप लोगों को नहीं बतानी। तो विवर, जहां हम जा रहे थे वहां वो चीज नहीं है, हम अब कहीं और जाके देखते हैं। अगर वो मिल जाती है तो उसका व्लॉग बनाएंगे, और व्लॉग हमने जरूर बनाना है। नागशाह चौक पे चल, नीचे इसी भाई से पूछ ले। ओ भाई ने जूतियों की सेल लगाई हुई है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, थोक के हिसाब से जूतियां। ये रिक्शे वाले भाई हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलामु अलैकुम। पहले जब बिलोलपुर लगा करती, अब ये लारी अड्डे वाली साइड। तो विवर, पहले मैं सोच रहा था कि बिलोलपुर में वो मेला लगेगा, लेकिन वो मेला कहीं और लग रहा है। तो इस टाइम ये फ्लाई ओवर आ गया है, मोटरवे M4 मखदूम रजा गिलानी फ्लाई ओवर। ये हमारे पास वो वीडा भी बड़ी जोश और जज्बे के साथ स्पीड से दौड़ी जा रही है। तो चले विवर, चलते हैं। ये इस तरफ पक्षीवास बैठे हैं, अपने ऊंटों को खाना खिला रहे हैं, जिनका दूध अक्सर बाजार में खवातीन बेच रही होती है। बस एक बात है, हैं? इसका स्टेबलाइजर बड़ा कमाल है। चाहिए यही है, बेहतरीन स्टेबलाइजर है यार। मैं कल रिक्शे बैठा रहा हूँ, है हिलता रहा रिक्शा, लेकिन मजाल है जिसकी वीडियो हिली हो। तो व्यूअर, इस वक्त हम उस रोड पर मौजूद हैं। ये रोड कराची से शुरू होता है और मुल्तान से होता हुआ लाहौर, फिर इस्लामाबाद, पिशावर। ये रोड है कौमी शाहरा, जो हम बचपन में मुतल्ला पाकिस्तान में नक्शा देखा करते थे। कौमी शाहरा, जब मोटरवे का दौर नहीं था तो ये कौमी शाहरा थी, और यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था। ट्राले होते थे, कंटेनर होते थे, गाड़ियाँ, मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन जब से मोटरवे बने है, सी पैक बना है, तो अब इन रोडों पे वो वाली क्या कहते हैं ट्रैफिक होती है जो सिर्फ शहर में इंटर हो। ये बोलने पे खुद ही खुद चुप हो जाएगा। ये इसकी चुल्ल है, ये मीटर वाला फीता नहीं होता अंदर, सिल्वर वाला, वो चू चू कर रहा है। तो विवर, जिसका हमें इंतजार था, हम वहां पहुंच गए हैं। तो अब हम ढूंढेंगे मोटरसाइकिल स्टैंड, ठीक है? पहले हाँ, मोटरसाइकिल स्टैंड पूछते हैं यहाँ पे, फिर हम मोटरसाइकिल खड़ा करेंगे। फाइनली विवर, हम पहुंच चुके हैं डंगर मंडी, जानवर की तलाश में। तो चलो देखते हैं, आज कोई जानवर अगर पसंद आता है तो कोई बकरा शकरा खरीदेंगे। तो इतने खुरम भाई भी आ जाए। ये मंडी मवेशियाँ, ये सरकारी तौर पे यहाँ पे मंडी लगी है। ये इस टाइम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरे आए हुए हैं, और ये फैसलाबादी नस्ल के हैं, मोगे जिनको कहते हैं, मोगे। ये बकरी 35,000 की है। जो मौजूदा हालात देखे जाएँ, जो महंगाई का जोर चला हुआ है, तो 35,000 की बकरी ठीक है।
मुझे मुनासिब लगी है। इसी तरह अदा जी में महंगाई है। हाँ, तो वीवर मंडी में आगे चलते हैं और खुरम भाई को तलाश करते हैं। इतनी महंगाई के बावजूद भी मंडी में गहमा गहमी है और उसी तरह रश है जैसे हर साल की तरह मंडी के अंदर रश होता था। और ये खुरम भाई जो है वीडियो बना रहे हैं। ओ वाह भाई वाह। तो व्यूअर ये भाई लेला सेल कर रहे हैं माशाल्लाह, दिखाना। हाँ ये व्यूअर ये फैसलाबादी और लगता है इसमें टैडी मिक्स है, मुझे ऐसे लग रहा है। हाँ फैसलाबादी लालपुरी और टैडी मिक्स है। फिलहाल अभी तक हमें बकरे ही नजर आए हैं, कोई बड़ा जानवर नजर नहीं आया। तो इधर फालसे का जूस है 10 रुपए गिलास। वाह भाई वाह जबरदस्त। तो अभी बार मंडी में अभी घूमते हैं, देखते हैं अभी। और फखरे मुल्तान पता नहीं किस साइड पे गया है। माशाल्लाह। तो वीवर ये चार बकरे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, सेहतमंद, और इनकी कीमत है 6,40,000 माशाल्लाह। यहाँ बहुत सारे बकरे खड़े हैं, टैडी, खीरे, रवेचड़ी, फैसलाबादी और मुल्तानी नस्ल के माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और ये हमारा फखरे मुल्तान। चले व्यूअर ज़रा आगे चलते हैं और भी बकरे देखते हैं, अगर कोई खूबसूरत तरीन बकरा आता है तो आपको दिखाता हूँ मैं। माशाल्लाह। आपको पूरी मंडी की सैर करवाई है मुल्तान की। बकर मंडी, पहली बकर मंडी, ईद उल अजहा के लिए जानवर आए हुए हैं बराए फरोख्त। तो जिन लोगों ने कुर्बानी करनी है मुल्तान में, तो बकर मंडी स्टार्ट हो चुकी है। तो व्यूअर मैं हूं आपका होस्ट न्यू राव स्टार। अगर आपको मेरी ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरे अगले नए व्लॉग पर। अस्सलाम वालेकुम।